गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी डल हुई स्किन को इंस्टेंटली ग्लोइंग कैसे बनाना है. जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक इजी और क्विक स्किन पॉलिशिंग जो कि आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं और जिसके यूज से आपके फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स है और ब्लेमिशेस है वो दूर होंगे और आपके कॉम्प्लेक्शन में एक अलग सा निखार आएगा. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेने वाले हैं 1 से 1.5 चम्मच बेसन, मतलब ग्राम फ्लावर. बेसन आपके स्किन में जमे हुए डर्ट को क्लीन करता है और भले ही आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, बेसन बहुत अच्छा वर्क करेगा. फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 से 1.5 चम्मच कॉफी पाउडर. आप किसी भी ब्रांड का कॉफी पाउडर ले सकते हैं. कॉफी एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है जो कि आपके चेहरे के ऊपर की डेड स्किन निकालकर उसको ग्लोइंग बनाता है. कॉफी पाउडर सनटैन को रिमूव करने में भी हेल्प करता है. अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल. अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयल आपके स्किन को अंदर से नरिश करेगा और स्किन में चमक लाएगा. अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस. लेमन में विटामिन सी होता है जो कि बहुत ही अच्छा स्किन लाइटनिंग एजेंट है. अब लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं जो कि है दही. दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि वर्क करता है एज अ टैन रिमूवर. अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें. इसे अप्लाई करते वक्त हम फेस मसाज करने वाले हैं तो वीडियो में बने रहें. इसे अप्लाई करने से पहले आपको फेस धो लेना है. इस मिक्सचर का एक थिक लेयर आपको अप्लाई करना है. सबसे पहले बहुत बार ऐसा होता है कि किसी फंक्शन का इनविटेशन आ जाता है और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम पार्लर में जाके फेशियल कराएं. तब ये स्किन पॉलिशिंग डेफिनेटली काम आता है क्योंकि इसका इफेक्ट आपके पार्लर के फेशियल से भी अच्छा होता है. अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब हम करने वाले हैं मसाज. पहले तो आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है आपके पूरे फेस पे, चिक्स पे, नेक पे. इससे आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साथ ही आपके नोज के पास से लेकर आंखों के नीचे अच्छे से मसाज करना है ताकि जो भी डार्क सर्कल्स हो या अनइवन स्किन टोन हो या अंडर आई बैग्स हो वो कम करता है. अब आपके अपर लिप्स और चिन के ऊपर इस तरह से मसाज करना है आपकी उंगलियों से ताकि अनइवन स्किन टोन जो है वो इवन हो सके. आपको आपके फोरहेड को भी इस तरह से मसाज करना है ताकि यहाँ के जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो सके. आप देख सकते हैं मैं अपनी 2 उंगलियों से इस तरह से मसाज कर रही हूँ. अब हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है हमारी नेक एरिया में और चीक्स पे, जिससे डबल चिन या फिर लूज स्किन जो होती है वो कंट्रोल होती है और टाइट होने में हेल्प करती है. पाँच से सात मिनट अच्छे से मसाज होने के बाद जो भी बचा हुआ मिक्सचर है वो हमें अपने फेस पे अप्लाई कर देना है और 5 से 10 मिनट इसको रखने के बाद पानी से अच्छे से धो लेना है.
अब मैं मिलती हूँ आपको मेरा फेस वॉश करने के बाद। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पे। फेस एकदम क्लीन और स्मूथ फील हो रहा है मेरा। आप भी इस स्किन पॉलिशिंग को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।